प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, गुस्सा मिस्सी होती है, टेंशन होती है, बात बात में क्रोध होता है, तो आप बाइबल के इन वचनों को बोलना शुरू करें और आप अपने घर में शांति को उतरता देखेंगे। हालेलुया। वचन बताता है मत्ती 18:18, मत्ती की पुस्तक 18:18 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है लूका की पुस्तक 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। हालेलुया। वचन बताता है इफिसियों 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के जो हथियार है वो है कृपा, भलाई, दया, नर्मदा, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन का पढ़ना, वचन का बोलना। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं तभी आप वचन बोल सकते हैं। जब 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 जिस जिस विपत्ति में आप होंगे, जिस विपत्ति में वचन बोलेंगे, जो वचन उस विपत्ति के लिए होगा वही वचन आपके जीवन में काम करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:1-2 में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता, तेरी उपस्थिति में आते हैं, तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे पिता, ना बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना समझ से, परंतु मेरे परमेश्वर ये छुटकारा पाए तेरी महासामर्थ भरी पवित्र आत्मा से। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है मत्ती 18:18 में, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे खुदाबंद लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा को, उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को मेरे परमेश्वर इनके घरों से बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं। परमेश्वर तूने ऐसा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ओ राजा तेरा धन्यवाद। हर लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा यीशु के नाम से इन्हें छोड़ और निकल जा, इन्हें छोड़ और निकल जा, इनके घरों को छोड़ और निकल जा, इनके बच्चों को छोड़ और निकल जा, क्रोध करने वाली आत्मा इन्हें छोड़ और निकल जा, यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में निकल जा, हम तुझे हुक्म देते हैं इन्हें छोड़ और निकल जा। यीशु नासरी के नाम से तेरी चाल को बांधते हैं, तेरी युक्ति को बांधते हैं, तेरी योजना को बांधते हैं। ऐ शैतान, हम तेरी सारी सेना को बांध कर मरुभूमि में डालते हैं, डालते हैं, दफन करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में और शांति के द्वार को इनके लिए खोलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु मेरे परमेश्वर, यूहन्ना 14:27 में लिखा है, तू शांति का राजकुमार है। प्रभु तेरी शांति इनके जीवनों में आए मेरे परमेश्वर और तू इनके जीवनों में राज करे मेरे पिता। तेरी शांति इनके हृदय में ठहर जाए प्रभु। कोई लड़ाई झगड़ा इनके घर का हिस्सा नहीं, कोई क्रोध इनके घर का हिस्सा नहीं, कोई जलन इनके घर का हिस्सा नहीं, कोई नफरत इनके घर का हिस्सा नहीं, कोई गुस्सा इनके घर का हिस्सा नहीं, कोई झगड़ा इनके घर का हिस्सा नहीं, कोई मार पिटाई इनके घर का हिस्सा नहीं। प्रभु यीशु मसीह, तू इनके घर का हिस्सा बन, तू इनके घर का अधिकारी बन। परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके घर पर मंडरा मेरे प्रभु, और जो भी लड़ाई झगड़ा का काला बादल है यीशु के नाम में वो बादल उखड़ जाए और उजियाला पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य, तेरा उजियाला इनके जीवन में उतर आए मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर, मेरे दया के सागर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू की रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। परमेश्वर इन्हें कोई हानि न हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर इन्हें सामर्थ दे, मेरे प्रभु इन्हें सामर्थ दे, बिच्छू को रोंदने की, सांपों को रोंदने की, शैतान को रोंदने की इन्हें सामर्थ दे, शक्ति दे, बल दे, इनके घर में उतर आ मेरे परमेश्वर और इन्हें थाम ले प्रभु। मेरे परमेश्वर राजा 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 राजा, हालेलुया, स्तुति 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 यीशु के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर तूने ऐसा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर तूने पूर्ण रीति से छुटकारा दे दिया। ये वचन इनके हृदयों में काम करे, ये वचन इनके घरों में काम करे। सारा आदर सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता परमेश्वर मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन। आइए एक गवाही सुनकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया। जय मसीह की मैम। हमारा नाम संतलाल है, हम फतेहपुर ज़िले के सलवन गांव से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। हमारी गवाही है मैम कि हमारी बेटी थी, उसको मासिक प्रॉब्लम थी पिछले 4 महीने से, और हमने बहुत दवा भी कराया, ठीक नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन यूट्यूब में हमें मैम का नंबर दिखाई दिया, वीडियो देख रहे थे तो मैम के नंबर पे कॉल किया और प्रार्थना करवाए, और प्रार्थना मैम ने किया। उसके बाद से अगले दिन चंगाई मिली और बेटी को पीरियड हुआ। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं मैम का जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। जय मसीह की, धन्यवाद हो प्रभु।